वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचना और संसाधनों को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होते हैं। क्या होता है कंप्यूटर एक जो जाल होता है कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर नेटवर्क एक जाल होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या है, जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन, इनको आपस में एक दूसरे से शेयर किया जाता है। नेटवर्क प्रिंटर, स्कैनर या फैक्स मशीन को कंप्यूटर पर कनेक्ट करने में मदद करता है। ओके, तो जो ये नेटवर्क है वो प्रिंटर को, स्कैनर को, फैक्स मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न प्रकार, जैसे कि क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, हाइब्रिड में विभेदित, यानी इनको इस चीज़ में बांटा जा सकता है। किस किस में? क्लाइंट सर्वर में, पीयर टू पीयर या हाइब्रिड में इनको विभाजित किया जा सकता। आइए देखते हैं अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें पर्सनल कंप्यूटर, यानी पैन, PAN। ओके, सेकेंड है इसमें स्थानीय क्षेत्र अंतरजाल, यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तो ये होता LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। नेक्स्ट आता आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये होता आपका MAN, 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 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो सबसे लास्ट वाला, ये है आपका WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें हम पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क की, यानी पैन की, तो यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है। क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो उपयोगकर्ता के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। ये बिल्कुल पर्सनल होता है। इसमें ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस या इंफ्रारेड सक्षम डिवाइस शामिल हो सकते हैं। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी है वो 10 मीटर तक है, मतलब इसे 10 मीटर तक ही से यूज़ किया जा सकता है। पैन में वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड, जो कंप्यूटर कीबोर्ड, वायरलेस माउस, ब्लूटूथ हेडफोन, वायरलेस प्रिंटर और टीवी रिमोट वगैरह ये शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो 10 मीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट होता है आपका लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, हिंदी में बोलते हैं इसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आइए देखते हैं, एक भवन नेटवर्क के अंदर और एकल प्रशासनिक प्रणाली के तहत संचालित एक कंप्यूटर नेटवर्क को आमतौर पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन के रूप में जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के नेटवर्क को हम अपने घर में या फिर किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में या किसी स्कूल वगैरह में इसे यूज़ किया जाता है। इससे बाहर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इस नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 10 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती हैं, जैसे कि ईथरनेट या वाईफाई। तो इसकी प्लीज़ आप जो रेंज है वो देख लेना। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर से 1000 मीटर तक होती है, तो ये नोट कर लेना। और इसमें जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो ईथरनेट हो गया आपका, वाईफाई हो गया, ईथरनेट और वाईफाई। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो क्या होता है, यानी मैन, शॉर्ट में बोलते हैं हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन आमतौर पर पूरे शहर में फैलता है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। यह ईथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस के रूप में हो सकता है। तो मैन लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में काम करता है। ये जो मैन होता है ये लैन और वैन के बीच में काम करता है। इसमें क्या होता है, इसका यूज़ जो है वो बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आपका लैन था वो एक बिल्डिंग के अंदर ही उसका यूज़ करते थे, लेकिन इसमें क्या, मैन में क्या होता है कि एक बिल्डिंग से हम दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क के द्वारा इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसकी जो रेंज होती है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इसकी एक बार आप जो रेंज है वो देख लेना, सेकंड। तो इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर से, सॉरी, 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। ओके, मानकर चलिए कोई ऑफिस है, उसकी कुछ ब्रांचेज है। ओके, एक ऑफिस है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है सिटी में। तो उन ब्रांचेज को जो हेड ऑफिस से कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए हम मैन का ही यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे केबल हो गया,
टीवी नेटवर्क हो गया, तो इस तरह से ये हो गया। और इसकी जो रेंज होती है वो 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसको जो यूज़ किया जा सकता है। अभी हम वैन, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एक संचार नेटवर्क है जो कि भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहरों राज्यों देशों में फैला है। वे व्यवसाय के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए निजी हो सकते हैं या वे छोटे नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए अधिक सार्वजनिक हो सकते हैं। ये नेटवर्क मैन और लैन को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। क्योंकि ये बहुत उच्च गति रीड से लैस हैं इसलिए वैन बहुत महंगे नेटवर्क उपकरण का उपयोग करते हैं। अभी हम इसे ऐसे समझते हैं कि इसमें एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए या फिर किसी एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज जो होती है वो 1,00,000 किलोमीटर तक होती है। तो कितनी होती है इसकी रेंज, जरूर नोट कीजिए आप, 1,00,000 किलोमीटर तक, 1,00,000 किलोमीटर तक तो इसकी रेंज होती है। और जिसका एग्जाम्पल होता है वो होता है इंटरनेट, यानी किसी एक कंट्री को किसी दूसरी कंट्री से जोड़ने के लिए, फिर किसी एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए ही वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट। क्या इसका एग्जाम्पल, इंटरनेट, इंटरनेट तो इसका एग्जाम्पल हो गया। आइए बात करते हैं अब इसका एक एमसीक्यू प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। संस्थानों के भीतर आंतरिक संचार के माध्यम के लिए क्या जाता है, मतलब कोई भी संस्थान है ठीक है, तो उसके अंदर ही काम करने के लिए, कि वो कार्य करने के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए है आपका लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी ईबीबी या ऑप्शन डी एमएमएस। तो इसका क्या क्या होगा सही आंसर, लैन, सॉरी, तो इसका सही आंसर होगा लैन, यानी हम किसी भी एक संस्था है, कोई भी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर काम करने के लिए हम लैन का ही यूज़ करते हैं। तो ये सही आंसर है। अगर आपको ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा टोपोलॉजी, बट इसका मीनिंग जो वो बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसे समझ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों का आपस में कनेक्टेड होना। ओके, तो यही क्या हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। जब कंप्यूटर सर्वर मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइस या अन्य ऐसी डिवाइस जो कि एक दूसरे से डाटा शेयर करती है, उनका आपस में कनेक्शन चाहे वायरलेस हो या फिर केबल के द्वारा, वही क्या कहलाता है नेटवर्क। और अगर हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि नेटवर्क किस प्रकार का है, यानी इसका जो डिज़ाइन है, इसका लेआउट किस प्रकार का है, संरचना किस प्रकार का है, तो इसे ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क व्यवस्था का योजनाबद्ध विवरण है, कनेक्शन की लाइन के माध्यम से विभिन्न नोड्स जैसे कि प्रेषक और रिसीवर को जोड़ता है। यानी कि इसमें क्या, सेंडर और रिसीवर को आपस में जोड़ा जाता है जिससे कि वो जो सूचना इन्फॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान कर सके। तो अगर बात करें हम इसके प्रकार की, नहीं ये टोपोलॉजी के प्रकार की, तो इसके देखते कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ओके, तो पहला हो जाता है फर्स्ट टू फर्स्ट नेटवर्क। सेकंड आपको बस की स्थिति, यानी हम इसे बोलेंगे बस टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी, ओके, तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद में है रिंग टोपोलॉजी और सबसे लास्ट में हो गया मैश टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अब इनका एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं क्या होते हैं। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क में दो कंप्यूटरों के बीच में एक सीधा लिंक होता है। इसमें क्या होता है, दो ही कंप्यूटर होते हैं, इसमें दो कंप्यूटर होते हैं जिनके बीच में आपस में सीधा लिंक होता है, डायरेक्ट लिंक होता है। यह अन्य प्रकार के कनेक्शनों की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है क्योंकि सीधा संबंध होता है इनके बीच में। तो क्या है, ये दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो उसमें क्या है, उनमें डायरेक्ट उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, तो उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में दो मेजबानों जैसे कंप्यूटर, स्विच, राउटर या सर्वर शामिल होते हैं। कौन कौन है इसमें, कंप्यूटर हो गया आपका, स्विच, राउटर या सर्वर शामिल होते हैं जो केबल के एक टुकड़े का उपयोग करके बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं।
किससे? केबल के एक टुकड़े से वो बैक टू बैक कनेक्ट होते हैं। अक्सर एक मेजबान का प्राप्त अंत दूसरे के छोर को भेजने और इसके विपरीत से जुड़ा होता, मतलब एक केबल के द्वारा दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता। ओके, तो ये तो हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं बस की स्थिति यानी बस टोपोलॉजी। तो इसे बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। तो बस टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे सरल है। ये क्या है? सबसे ज़्यादा इसका सरल है, सबसे ईजी है ये। इस प्रकार के टोपोलॉजी में इंटरफेस कनेक्टर की सहायता से सभी नोड्स जैसे कि कंप्यूटर के साथ साथ सर्वर, सिंगल केबल जिसे बस कहा जाता है, से आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें एक ही तार से सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। एक इसमें केबल होता है जिससे कि सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें केबल कम लगाई जाती है, लेकिन अगर कहीं पर कोई कंप्यूटर खराब होता है तो लाइन में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो जो डेटा है वो आगा जाना बंद हो जाता है और इसका थोड़ा कम यूज़ होता है। ये जो इसका चलाना है उसका वो बहुत ज़्यादा कम है। इसमें एक केबल के साथ में सभी कंप्यूटर जो कंप्यूटर है उनको सभी को एक साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर मान के चलिए कोई भी एक लाइन खराब हो गई, कोई भी एक कंप्यूटर जो कोई भी एक सिस्टम वो काम करना बंद कर दे तो जो डाटा है वो आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा कम यूज़ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में सभी होस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करके एक केंद्रीय उपकरण से जुड़े होते हैं जिसे हब डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें सभी कंप्यूटर्स को एक ही हब से कनेक्ट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर एक ही बोर्ड से सारे बिजली के बल्ब जोड़ दिए जाए तो इसी तरह से इसका सिस्टम भी कुछ इसी तरह से होता है। इसमें एक होस्ट कंप्यूटर है जो सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़े रखता है। इसमें फ़ायदा यह है कि अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें काफ़ी कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर केवल होस्ट जो होस्ट कंप्यूटर अगर वही खराब हो जाए तो ही जो कंप्यूटर्स है वो वर्क करना बंद कर देंगे, अदरवाइज ये बहुत अच्छी प्रणाली है और मोस्टली इसे काफ़ी यूज़ में लिया जाता है जो कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी को। देखिए इसमें ये तो हो गया जो हब है, ठीक है, तो ये बाकी जो सिस्टम है ये हो गया ये, तो ये आपस में क्या है, इसमें कनेक्टेड होते हैं। और ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ये हब, ठीक है, इसका एक इसमें इन सभी का नियंत्रण होता है। जो ये सभी हैं आपको दिख रहे हैं बाकी के, ये स्टार की भांति ये बीच में जैसे हो गया, बाकी सभी इनसे डाटा वगैरह सभी इस हब से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्टार टोपोलॉजी, मतलब कि जैसे मान के चलिए स्टार बीच में स्टार है और बाकी सभी चीज़ों को सन की तरह बाकी सभी को अपनी रोशनी देता है जैसे सन, उसी तरह से जो ये हब है बाकी को सभी को नियंत्रित करता है और सूचनाओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है? इसमें होता है रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक मेजबान मशीन एक परिपत्र नेटवर्क संरचना का निर्माण करते हुए वास्तव में दो अन्य मशीनों से जुड़ती है। जब कोई होस्ट किसी ऐसे होस्ट को संदेश भेजने की कोशिश करता है जो उसके निकट नहीं है तो डेटा सभी मध्यवर्ती होस्टों के माध्यम से यात्रा करता, मतलब पहुँच पाता है। मौजूदा संरचना में एक और होस्ट को जोड़ने के लिए व्यवस्थापक को केवल एक और अतिरिक्त केबल की आवश्यकता होती है। अब देखिए थोड़ा सा इसे अलग से समझते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग की तरह या गोलाकार आकार में आपस में जुड़े होते हैं, जैसे इस तरह से। तो ये क्या हो गया? रिंग की तरह आपस में जुड़ गए, तो इसे हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें पूरा सर्किल भी होता है इसलिए इसे सर्कुलर भी कहते हैं, सर्कुलर टोपोलॉजी भी से कहते हैं। और यहाँ जो डाटा शेयर किया जाता है बहुत साधारण तरीके से किया जाता है, मतलब इस सिस्टम से यहाँ पर कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ से इस तरह से आपस में डेटा जो शेयर होता रहता है। इसमें प्रॉब्लम यह होती है अगर कोई कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो डाटा आगे जाना बंद हो जाता है। तो इसमें अगर मान के चलिए इसने ये वाला जो है तो इसने अगर वर्क करना बंद कर दिया तो ये जो डाटा है वो आगे नहीं जा पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि ये सिस्टम खराब हो चुका है। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ भी नहीं जा पाएगा
और फिर ये फर्स्ट वाले में भी नहीं आ पाएगा, तो ये पूरा सिस्टम क्या ख़राब हो जाता है। इसलिए इसकी ये मेन प्रॉब्लम है। इसमें क्या डाटा जो है आगे, अगर किसी कोई एक वर्क करना बंद कर दे तो डाटा जो आगे नहीं जा पाता और क्या है पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, इसमें इसका जो बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। जैसे कि आपने देखा था स्टार में, स्टार टोपोलॉजी में उसमें होस्ट कंप्यूटर रहता था, लेकिन इसमें कोई होस्ट नहीं होता। इसमें सिर्फ इनका डायरेक्ट लिंक्ड होता है जो आपस में डाटा शेयर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता हमारा बस टोपोलॉजी, सॉरी मैश टोपोलॉजी। क्या है? मैश टोपोलॉजी। आई समझते क्या मैश टोपोलॉजी? तो इस प्रकार की टोपोलॉजी में एक मेजबान या कई मेजबानों से जुड़ा होता है। तो ये क्या होता है, यह टोपोलॉजी हर दूसरे मेजबान के साथ में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में होस्ट करती है, और इसमें जो मेजबान यानी होस्ट हो सकते हैं तो केवल कुछ होस्ट के साथ में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। मैं बताती हूँ, अभी थोड़ा सा ऐसे समझते हैं इसको। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान ऐसी जगहों पर भी हो सकता है जहाँ पर अभी मोबाइल के टावर यानी मोबाइल जो नेटवर्क है वो नहीं जा सकते। इसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, किसी भी कंप्यूटर में डेटा शेयर किया जा सकता है। मतलब कोई भी कंप्यूटर है तो उससे किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा शेयर किया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इनका यूज़ ऐसी जगह पर किया जाने लगा जहाँ पर कि जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी नहीं जा पाते। यह बहुत अच्छी नेटवर्क है, इसमें जो नेटवर्क है बहुत अच्छा होता है और भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता और सूचनाओं का आदान प्रदान आराम से किया जा सकता है। कि मतलब इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, ये एक तरह से जाल की तरह बिछा हुआ होता है, ठीक है। तो होस्ट भी नहीं होता इसमें कि जो कोई इन पर कोई कंट्रोल कर सके, तो इस तरह से इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि ये अभी इतना चलन में नहीं है, बट फ्यूचर में ये काफ़ी यूज़ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।